हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन में आपको सिल्क साड़ी को कैसे वॉश करना है। कई लोगों ने मुझसे कहा था कि मैम, आप मुझे साड़ी वॉश का वीडियो प्लीज़ आप अपलोड करिए, और स्पेशली सिल्क साड़ी का। तो ये रिक्वेस्टेड वीडियो ये भी है, तो चलिए आज मैं आपको बताऊंगी कि आपको सिल्क साड़ी अगर वॉश करना है फ्रंट लोड और स्पेशली बॉश वॉशिंग मशीन में, तो आपको कैसे करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं आपको जो भी सिल्क साड़ी वॉश करने वाली हूँ वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं, ये सिल्क साड़ी है। मैं आपको पूरा क्लोज से दिखा दे रही हूँ। ये बहुत अच्छी साड़ी है, ये सिल्क साड़ी मेरी वन ऑफ द फेवरेट है। और लेकिन ये रिक्वेस्टेड वीडियो के अकॉर्डिंग मुझे बनाना था, तो चलिए आज मैं आप लोगों के लिए इस साड़ी को वॉश करके दिखाती हूँ। मैं इसका पूरा साड़ी आपको दिखा दे रही हूँ, जिससे कि आपको श्योर हो जाए कि ये सिल्क साड़ी है। ये देखिए, तो चलिए अब मैं इसको वॉश करके दिखाती हूँ। तो सबसे पहले मैं इसे वॉशिंग मशीन में डाल देती हूँ। तो मैं यहाँ पे डोर ओपन कर लेती हूँ, और अब मैं इसमें ये सिल्क साड़ी डालूंगी। सिल्क साड़ी अगर आपको वॉश करना है, तो फ्रेंड्स एक बात का आपको पहले ये ध्यान ये देना है कि कभी भी दो साड़ियों को इकट्ठे आपको वॉश नहीं करना है। एक टाइम पे एक ही साड़ी आपको वॉश करना है। दो साड़ी अगर आप डालेंगे तो हो सकता है सिल्क साड़ी आपकी थोड़ी सी डैमेज हो सकती है, तो इसीलिए मैं सिर्फ एक ही साड़ी डाल रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने सिल्क साड़ी डाल दी है, डोर को बंद कर लेंगे। तो मशीन को अब ऑन करते हैं। तो यहाँ पे सिल्क साड़ी के लिए हमें सेटिंग लेना है, डेलिकेटेड एंड सिल्क यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो इसी को हमें सेलेक्ट करना है। जब मैं इसको सेलेक्ट करूँगी तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो टेम्परेचर इसने लिया है, ठंडे पानी का लिया है, क्योंकि सिल्क साड़ी को हमेशा ठंडे पानी में ही वॉश करना चाहिए। गर्म पानी में अगर आप वॉश करेंगे तो सिल्क हो सकता है ख़राब हो सकता है। तो देखिए, मशीन ने ऑटोमेटिक ही सिल्क कपड़ों के लिए यहाँ पर सेटिंग अपने आप ही ले लिया है ठंडे पानी का। टाइम ये ले रहा है 38 मिनट्स, और आरपीएम भी एक बार चेक कर लेते हैं। आरपीएम भी यहाँ पे 600 ले रहा है, मतलब बहुत कम आरपीएम में ये स्लोली वॉश करेगा। तो सारी सेटिंग्स यहाँ पे परफेक्ट है, हमें बस अब ये डिटर्जेंट डालना है और मशीन को स्टार्ट करना है। तो चलिए डिटर्जेंट अब मैं डाल देती हूँ। तो फ्रेंड्स, पहली इम्पॉर्टेंट बात मैंने आपको बता दिया कि आपको एक ही सिल्क साड़ी वॉश करनी है, दो नहीं करनी है। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात कि आपको सिल्क कपड़ों के लिए डिटर्जेंट, चाहे वो पाउडर वाला हो चाहे वो लिक्विड वाला हो, आपको यूज़ नहीं करना है। आपको यूज़ करना है ईजी, चाहे वूल कपड़े वॉश कर रहे हैं चाहे सिल्क से रिलेटेड वॉश कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको ईजी यूज़ करना है। क्योंकि सिल्क के कपड़े महंगे होते हैं, नए होते हैं और अच्छे भी होते हैं, तो वो थोड़े भी डैमेज ना हो, तो इस मैं यहाँ पे इजी का यूज़ करूँगी इसको वॉश करने के लिए। तो चलिए डिटर्जेंट ट्रे में हमें जो ये इजी है मैं यहाँ पे मेन कंपार्टमेंट में डालूँगी। तो मैंने एक ही साड़ी डाला है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे बहुत ही सिर्फ एक चम्मच डालूँगी यहाँ पे इजी। आप देख सकते हैं कितना कम मैंने डाला है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। अब मैं इसे ड्रॉर को बंद कर दूंगी। यहाँ पे सेटिंग हमने लगा ही लिया है पहले ही, तो चलिए अब मैं स्टार्ट कर देती हूँ। तो यहाँ पे पानी आना स्टार्ट हो गया है, साड़ी धुल रही है। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको स्पीड में वीडियो दिखाऊंगी कैसे कैसे ये वॉश हो रहा है। सबटाइटल भी डाल दूंगी नीचे कि हाँ मशीन में अब क्या हो रहा है, रिंज हो रहा है कि वॉश हो रहा है। पूरा डिटेल में जो भी वीडियो है मैं आपको स्पीड में दिखाऊंगी, क्योंकि 38 मिनट्स ये ले रहा है और मैं इतना टाइम तक वीडियो बनाऊंगी तो बहुत ही लंबा वीडियो बन जाएगा। तो अब आप मेरा स्पीड में ये वीडियो देखिए, लास्ट में मैं आपको साड़ी भी निकाल के दिखाऊंगी।
तो फ्रेंड्स ये मैं आपको नॉर्मल स्पीड में थोड़ा सा दिखा रही हूँ, आप देख सकते हैं सिल्क साड़ी को कितना स्मूथली और कितने धीरे धीरे ड्रम चल रहा है। यहाँ पे आरपीएम इसने 600 लिया ही था और कितने आराम से ये सिल्क साड़ी को धो रहा है कि इसमें बिल्कुल भी साड़ी डैमेज ना हो। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे, फ्रेंड्स एक बात और आप यहाँ पे देखिए कि मैंने यहाँ पे कितना कम डिटर्जेंट डाला था, इजी का एक चम्मच भी वो नहीं था, और देख सकते हैं कितना सारा झाग यहाँ पे हुआ है। तो आपको बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, आप फ्रंट लोड जब भी यूज़ करें तो उसमें डिटर्जेंट आप कम डालने की कोशिश करें। अब यहाँ पे रिंज स्टार्ट हो गया है 19 मिनट से। यहाँ पे फ्रेंड्स स्पिन स्टार्ट हो गया है, 7 मिनट जब लेफ्ट थे तब यहाँ पे स्पिन स्टार्ट हो गया है, आप देख सकते हैं। कपड़ों को धोने के बाद जो लाइनिंग आती है वो स्पिन पे डिपेंड करता है, तो यहाँ पे आरपीएम 600 पे ही ये स्पिन कर रहा है, तो मुझे लगता है उसमें भी बहुत अच्छा रहेगा कि इसमें लाइन बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। चलिए वो तो मैं निकाल के आपको दिखाऊंगी ही, बस 6 मिनट और बचे हैं, उसके बाद मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। कपड़े धुल गए हैं, सिल्क साड़ी मेरी अच्छे से वॉश हो गया है, तो चलिए अब मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। तो सबसे पहले मशीन को ऑफ कर लेते हैं, अब मैं डोर को ओपन करूँगी, तो चलिए अब निकाल के मैं आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स एक बात मुझे टच करने में ऐसा हो रहा है ना, जैसे बाकी हम जब कपड़े धोते हैं तो उसमें स्पिन जो आरपीएम होता है 1200 होता है, 1000 होता है, इसमें आरपीएम कम था तो कपड़े उतने ज़्यादा ड्राई नहीं है, मतलब थोड़े से बाकी जो हम वॉश करते हैं उससे कम ड्राई सिल्क में हुआ है, क्योंकि आरपीएम भी इसने 600 लिया था। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये गीला है, लेकिन आप देख सकते हैं बिल्कुल भी एकदम लाइन बिल्कुल भी नहीं आई है, मतलब मुझे जैसा लग रहा है मैं जैसा डाली थी एकदम वैसे ही साड़ी, बस हाँ क्लीन बहुत अच्छे से हो गया है। इजी का हमने यूज़ किया था तो खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है और बहुत अच्छे ये साड़ी क्लीन हो गई है। तो मैं अब इसको जा रही हूँ बाहर डालने। सिल्क की साड़ियों को कभी भी धूप में नहीं सुखाना चाहिए, मैं इसको छाँव में ही सुखाऊंगी। और तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें। आपको भी कोई वीडियो चाहिए जो आप वॉशिंग मशीन में कोई भी किसी भी तरह का कपड़ा धोना चाहते हैं और कैसे अच्छे से धोएं, आपको जो भी चाहिए आप मुझे कमेंट करिए, मैं तुरंत उसका वीडियो बना के अपलोड कर दूंगी। वीडियो पर ऐसे ही मैंने और भी बहुत सारे वीडियोज़ बनाए हुए हैं, हर तरह के कपड़े आपको कैसे धोने हैं सारे वीडियोज़ मेरे चैनल पे हैं, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी मैंने मेंशन किया हुआ है, वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं।
पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, और ऐसे ही वॉशिंग मशीन के क्लोथ वॉशिंग के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। तो फ्रेंड